हेलो स्टूडेंट्स दिस वीडियो इज अबाउट अ न्यू चैप्टर दैट इज़ वर्क एनर्जी पावर बट बिफोर स्टार्टिंग द न्यू चैप्टर एंड द डिस्क्रिप्शन ऑफ वर्क एनर्जी पावर लेट वी फर्स्ट डिस्कस अबाउट द मल्टीप्लीकेशन ऑफ वैक्टर्स क्योंकि मल्टीप्लीकेशन ऑफ वैक्टर्स का यूज इस चैप्टर में आगे होना है सो मल्टीप्लीकेशन ऑफ वैक्टर फर्स्टली वी डिस्कस बाय अस्केलर जब भी हम किसी एक वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन करते हैं एक स्केलर क्वांटिटी से फॉर एग्जांपल हमारे पास ये वेक्टर है ए जो इसमें ये एरो शो करता है एरो की जो हेड है वो उसकी डायरेक्शन को शो करती है एंड लाइन उसके मैग्नीट्यूड को शो करती है सो ए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो हमारे पास थ्री सेंटीमीटर है जब हमने इसके मैग्नीट्यूड को एक स्केलर क्वांटिटी दैट इज़ फाइव से जब मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास जो वेक्टर आया दैट इज़ फाइव से मल्टीप्लाई करने के बाद फिफ्टीन सेंटीमीटर और जब हमने इसी के मैग्नीट्यूड ट्यूड थ्री सेंटीमीटर को माइनस फाइव से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास मैग्नीट्यूड आया फिफ्टीन सेंटीमीटर वो भी माइनस का लेकिन यहाँ पर माइनस साइन डिनोट नहीं किया क्यों क्योंकि प्लस साइन यहाँ पे डिनोट कर रहा है कि जो वेक्टर है उसकी डायरेक्शन स्ट्रेट फॉरवर्ड है लेकिन नेगेटिव साइड शो कर रहा है कि जो अब हमारे पास वेक्टर आएगा उसकी जो डायरेक्शन होगी वो इस वेक्टर से अपोजिट होगी इसीलिए मैग्नीट्यूड ओनली फिफ्टीन सेंटीमीटर लिखा है माइनस इसके सामने नहीं लगाया इट इज़ अंडरस्टैंडेबल सो इफ अ ए इज मल्टीप्लाई बाय अ स्केलर जब भी हम किसी वेक्टर को स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं एन नंबर यहाँ पे क्यों बोला है? क्योंकि फ़ाइव से मल्टीप्लाई किया है तो यहाँ पे फाइव एन हो गया देन वी ऑबटेन अ न्यू वैक्टर हुज़ मैग्नीट्यूड इज़ एन टाइम्स तो हमें जो नया वैक्टर मिलेगा उसका मैग्नीट्यूड एन टाइम्स होगा जैसे थ्री फाइव या फिफ्टीन हो गया तो एन टाइम्स बढ़ गया और फैक्टर एंड हुज़ डायरेक्शन इज़ और इसकी डायरेक्शन क्या होगी सेम एज़ दैट ऑफ ए इफ़ एन इज़ पॉजिटिव अगर एन पॉजिटिव है जैसे कि फिफ्टीन सेंटीमीटर पॉजिटिव है तो जो इस वेक्टर की डायरेक्शन थी वही डायरेक्शन आफ्टर द मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर ए हमारे पास आएगी लेकिन अगर उसके मैग्नीट्यूड को माइनस से मल्टीप्लाई किया है इट मीनस दैट जो उस वेक्टर की डायरेक्शन थी अब मल्टीप्लाई होने के बाद मैग्नीट्यूड से उसकी डायरेक्शन क्या हो जानी है अपोजिट हो जानी है सो दिस इज तो ये तो हमारे पास था मल्टीप्लीकेशन ऑफ वैक्टर जब हमने किसी एक स्केलर क्वान्टिटी से किया सेकेंड पॉइंट इज डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है लेट वी हैव टू वैक्टर्स ए एंड बी ए और बी हमारे पास दो वैक्टर हैं और जब हमने इन दोनों वेक्टर्स को मल्टीप्लाई किया बाय डॉट प्रोडक्ट बीच में डॉट का सिंबल है तो जब इस डॉट प्रोडक्ट को हम ओपन करते हैं तो हम लिखते ए बी कॉस थीटा ये डॉट हटने के बाद कॉस थीटा आ जाता है लेकिन अगर मैं इस तरीके से लिखती ए क्रॉस बी क्रॉस प्रोडक्ट होता तो ए बी साइन थीटा ये क्रॉस प्रोडक्ट साइन थीटा में डाउन हो जाता है सो डॉट प्रोडक्ट ऑफ़ टू वैक्टर्स इज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ इंडिविजुअल वैक्टर्स इंडिविजुअल वैक्टर्स के का मैग्नीट्यूड है और साथ में कोसाइन ऑफ द स्मॉल एंगल बिटवीन दैम और साथ में उन दोनों वैक्टर के बीच का जो छोटा एंगल है उसका भी मल्टीप्लीकेशन उसके साथ हुआ है सो डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वैक्टर इज ऑलवेज अ स्केलर क्वान्टिटी जब हम किसी दो वैक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो हमें जो क्वान्टिटी मिलती है वो स्केलर क्वान्टिटी होगी लेकिन अगर यहाँ पे एक वेक्टर डॉट वेक्टर होता और मैं डॉट प्रोडक्ट कर देती दूसरी क्वांटिटी हमारे पास वेक्टर ना होती स्केलर होती तो हमारे पास वेक्टर मिल जाता लेकिन जब हम दो वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो हमें जो थर्ड क्वांटिटी जो रिजल्टेंट मिलेगा वो हमेशा एक स्केलर क्वांटिटी होगी फॉर एग्जाम्पल जैसे वर्क है वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू में डिसप्लेसमेंट फोर्स भी यहाँ पे डिस्प्लेस फोर्स भी यहाँ पे एक प, आ, वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि इसका डायरेक्शन भी होता है और साथ में मैग्नीट्यूड भी डिस्प्लेसमेंट इज़ आल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड भी है और इसकी डायरेक्शन भी है और दोनों ही डॉट प्रोडक्ट हैं मीन्स वर्कडन का जो फॉर्मूला है दैट इज एफ डॉट एस तो हमें जो वर्क डन मिलेगा वर्कडन एक स्केलर क्वांटिटी होगी क्यों क्योंकि दो वेक्टर क्वांटिटीज़ का डॉट प्रोडक्ट हमेशा स्केलर होता है अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट कि डॉट प्रोडक्ट हमेशा दो वेक्टर के मल्टीप्लिकेशन में यूज होता है एंड हैंस इट इज़ कॉल्ड अ डॉट प्रोडक्ट इसीलिए हम उसको डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं तो ये तो था डॉट प्रोडक्ट के बारे में द प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट्स आर वेन वैक्टर्स आर पैरल वैक्टर मतलब ए वैक्टर है हमारे पास और दूसरा वेक्टर हमारे पास बी है दोनों ही वेक्टर्स एक दूसरे के पैरेलल है इट मींस जो एंगल होगा वो हमारे पास थीटा ज़ीरो डिग्री होगा और डॉट प्रोडक्ट हमने अभी क्या पढ़ा कि ए डॉट बी जब ये डॉट हटेगा तो कॉस थीटा आ जाएगा तो ए बी कॉस थीटा लेकिन जब दो वेक्टर्स एक दूसरे के पैरेलल होंगे तो कॉस थीटा हमारा कितना हो गया कॉस जीरो के बराबर क्योंकि थीटा ज़ीरो है और यू नो दैट कि कॉस जीरो की वैल्यू वन होती है सो so, हमारे पास ए डॉट बी दो वेक्टर्स जब पैरल होंगे तो उसका मैग्नीट्यूड हमारे पास ए बी के बराबर आ जाएगा जो कि मैक्सिमम वैल्यू होगी और ये मैंने पहले जब मैथमेटिकल टूल्स कराए थे तो उसमें भी बताया था कि आई डॉट आई वन के बराबर होता है जे डॉट जे बी वन के बराबर होता है आई डॉट आई मीन्स ये हमारे पास यूनिट वैक्टर हैं एक्सिस में दोनों सेम यूनिट वेक्टर्स का एक्स एक्सिस में जो हैं उनका डॉट प्रोडक्ट वन के बराबर होगा वाई एक्सेस के यूनिट वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट वन के बराबर होगा जेड एक्सेस के यूनिट वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट वन के बराबर होगा लेकिन अगर आई डॉट जे कर देते हैं हम एक्सिस का एक यूनिट वेक्टर और वाई एक्सेस का एक यूनिट वेक्टर उन दोनों के डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू ज़ीरो के बराबर होगी सेकेंड पॉइंट इज़ दैट वेन द वैक्टर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर मतलब हमारे पास एक वैक्टर है ए दूसरा वैक्टर है बी ये दोनों एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर है तो इन दोनों के बीच का जो एंगल होगा दैट इज़ नाइन्टी डिग्री तो थीटा हमारे पास नाइन्टी डिग्री के बराबर आ गया और यू नो दैट कि कॉस नाइन्टी की वैल्यू जीरो होती है सो ए डॉट बी इज इक्वल्स टू ज़ीरो हो जाएगी एंड टू प्रूव दैट टू वैक्टर्स आर पर टू ईच अदर शो दैट देयर प्रोडक्ट इज़ीरो अगर हमें ये क्वेश्चन या नूमेरिकली ये प्रूव करना पड़े कि दो वैक्टर एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर हैं तो आप उन दोनों वैक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट ज़ीरो के इक्वल दिखा दो क्वेश्चन प्रूव हो जाएगा सिमिलरली अगर ये शो करना पड़े नूमेरिकली कि अगर दो वैक्टर्स परपेंडिकुलर हैं आप ये शो करो प्रूव करो तो अगर वो दोनों वेक्टर्स का आप डॉट प्रोडक्ट करोगे आपको मैक्सिमम वैल्यू ऑप्टेन होती है देन दोनों वेक्टर ही क्या है पैरेलल टू ईच अदर नाउ जैसे कि आई डॉट आई का जो डॉट प्रोडक्ट है वो वन के बराबर है सिमिलरली जब आई का जे के साथ हम डॉट प्रोडक्ट करेंगे आई मीन्स यूनिट वैक्टर अलोंग एक्सेक्सेज एंड जे इज़ यूनिट वैक्टर अलोंग वाई एक्सेस इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट हम करेंगे तो विच इज़ इक्वल्स टू जीरो सिमिलरली जे डॉट के इज ईक्स टू जीरो के डॉट आई इज इक्वल्स टू ज़ीरो एंड जब दो वैक्टर्स एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर होंगे तब हमें थीटा नाइन्टी मिलेगा लेकिन अगर दो वैक्टर्स लाइक दिस इज़ ए वैक्टर एंड दिस इज़ बी वैक्टर ये दोनों ही वैक्टर एक दूसरे से अपोजिट है एंगल कितना बन रहा है वन एटी डिग्री का मीन्स कॉस वन एटी डिग्री की वैल्यू होती है माइनस वन और जब हम वेक्टर की इक्वेशन में रखेंगे दैट इज़ ए डॉट बी विच इज़ इक्वल्स टू ए बी कॉस वन एटी डिग्री सो वी हैव माइनस ए बी क्योंकि कॉस वन एटी डिग्री की वैल्यू माइनस होगी और उसकी वैल्यू जब हम पुट करेंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन आएगी जो कि हमारे पास मिनिमम वैल्यू होगी दो डॉट दो वैक्टर्स के डॉट प्रोडक्ट की एंड डॉट प्रोडक्ट को अगर कार्टिजन कोऑर्डिनेट्स में लिखना पड़े कार्टिजन कोऑर्डिनेट्स मतलब एक्स वाई जेड एक्सिस के अकॉर्डिंग सो ए वेक्टर हो गया हमारे पास ए एक्स आई कैप ए एक्स मतलब एक्स एक्सिस के अलोंग जो इसका मैग्नीट्यूड होगा उसको हम डिनोट करेंगे ए एक्स से आई डिनोट करा है यहाँ पे एक्स एक्सिस के अलोंग ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप वाई एक्सिस के अलोंग इसका मैग्नीट्यूड ए वाई जेड एक्सिस के अलोंग ए का मैग्नीट्यूड ए जेड और सिमिलरली बी के लिए भी हमारे पास बी एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस बी जेड के हो जाएगा जब इन दोनों वैल्यूज़ का अगर हम डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो फर्स्टली हम इस ए एक्स आई को इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो आई डॉट आई आई डॉट जे तो आई डॉट आई तो वन के बराबर होता है इट मीन्स ए एक्स बी एक्स आ जाएगी वैल्यू लेकिन आई ए एक्स आई डॉट बी वाई जे आई डॉट जे हो गया एंड आई डॉट जे विच इज़ इक्वल्स टू जीरो तो मतलब वो टर्म हमारी ज़ीरो हो जाएगी सो so, हमारे पास इनका जो डॉट प्रोडक्ट के बाद रिजल्ट आएगा विच इज़ इक्वल्स टू ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास ए वैक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड है फाइव आई माइनस नाइन जे प्लस थ्री के कैप सिमिलरली बी इज इक्वल्स टू वन आई कैप प्लस टू जे कैप माइनस फोर के कैप जब दोनों का हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो फाइव वन जा फाइव क्योंकि आई डॉट आई कैप वन हो गया लेकिन फ़ाइव टू जा टेन बट आई डॉट जे कैप इज़ इक्वल्स टू जीरो तो वो टर्म जीरो हो जाएगी सो फाइव वन ज़ा फ़ाइव नाइन टू जा माइनस एटीन थ्री फोर ज़ा ट्वेल्व क्योंकि माइनस साइन है ऑलरेडी माइनस ट्वेल्व तो आपके पास जो रिजल्ट आएगा विच इज़ इक्वल्स टू माइनस ट्वेंटी फ़ाइव नाउ अगर हमें दो वेक्टर्स के बीच का एंगल फाइंड आउट करना हो जैसे कि ए वेक्टर है ये और दूसरा वेक्टर है ये वी बी वेक्टर इन दोनों के बीच का एंगल थीटा फाइंड आउट करना है देन यू नो दैट ए डॉट बी इज इक्वल्स टू ए बी कॉस थीटा सो कॉस थीटा विच इज इक्वल्स टू ए वैक्टर डॉट बी वैक्टर अपोन में ए बी वेयर ए एंड बी आर द मैग्नीट्यूड्स ऑफ इंडिविजुअल टर्म्स इनका मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड आउट करोगे बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला ए इज इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायेयर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर सिमिलरली बी इज इक्वल्स टू बी एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस बी जेड स्क्वायर रूट में अगर आपको ए वैल्यू फाइंड करनी है जैसे आपके पास ए वेक्टर की वैल्यू है फाइव आई कैप प्लस फोर जे कैप प्लस वन के कैप तो आपको इसको इंडिविजुअल इसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है तो आप कैसे करोगे फाइव का स्क्वायर ट्वेंटी फाइव प्लस फोर का स्क्वायर सिक्सटीन प्लस वन का स्क्वायर वन सो ए इज इक्वल्स टू रूट में फोर्टी टू फोर्टी टू इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वैक्टर ए सो बाई यूजिंग दिस यू कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ थीटा और थीटा सो दिस इज ऑल अबाउट मल्टीप्लीकेशन ऑफ वैक्टर्स